हिंदी सिनेमा के महान फिल्म मेकर महबूब खान को लोग सदियों तक याद रखेंगे। आन, अंदाज, अनमोल घड़ी, औरत, अमर, तकदीर, अनोखी अदा और रोटी जैसी शानदार फिल्में देने वाले महबूब खान का आज ही के दिन 28 मई 1964 को निधन हो गया था। उनके टैलेंट का लोहा पूरी दुनिया ने माना था। खासकर महबूब खान हमेशा अपनी फिल्म मदर इंडिया के लिए जाने जाते रहेंगे। ऑस्कर की चौखट पर पहुंचकर कहां चूक गई थी उनकी फिल्म मदर इंडिया, आइए जानते हैं। अब तक 3 भारतीय फिल्मों ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर नामांकन हासिल किया है, उसमें से एक है मदर इंडिया। विदेशी भाषा में बनी श्रेष्ठ फिल्म श्रेणी में भारत की ओर से मदर इंडिया भेजी गई थी। फिल्म के तकनीकी पक्ष एवं निर्देशक द्वारा बनाई गई भावना की लहर से चयनकर्ता प्रभावित थे, परंतु उन्हें यह बात खटक रही थी कि पति के पलायन के बाद महाजन द्वारा दिया गया शादी का प्रस्ताव वह क्यों अस्वीकार करती है, जबकि सूदखोर महाजन उसके बच्चों का भी उत्तरदायित्व उठाना चाहता था। दरअसल चयनकर्ताओं को यह किसी ने नहीं स्पष्ट किया था कि भारतीय नारी अपने सिंदूर के प्रति कितनी अधिक समर्पित होती है। फिल्म भारत के सदियों पुराने आदर्श के प्रति समर्पित थी। ऑस्कर जीतने के लिए फिल्म की संस्कृति पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने के लिए वहाँ एक प्रचार विभाग नियुक्त किया जाना चाहिए था। फिल्म के अंतिम दृश्य में एक माँ अपने प्यारे पुत्र को गोली मार देती है, क्योंकि वह संस्कृति मूल्यों के खिलाफ अपहरण कर रहा था। बताया जाता है कि मदर इंडिया नरगिस द्वारा सुझाया गया नाम था। मदर इंडिया तीसरे पोल के बाद महज एक वोट से ऑस्कर जीतने से चूक गई थी। उस साल बेस्ट फॉरेन फिल्म का अवार्ड इटालियन प्रोड्यूसर डीनो डे की फिल्म नाइट ऑफ कैबेरिया को मिला। इसके बाद जो फिल्म ऑस्कर में फाइनल 5 में पहुंच पाई थी उनमें 1988 की मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे और आमिर खान की 2001 में आई फिल्म लगान थी।